हेलो एवरीवन, पेट पूरी तरह से साफ ना हो तो हमारा किसी चीज़ में मन बिल्कुल नहीं लगता है। हर एक काम छूट जाता है, बस पूरा माइंड जो रहता है पेट में रहता है कि पेट फूल रहा है, दुख रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक ड्रॉप बताने वाली हूँ। पेट के लिए तो मैंने बहुत सारे ड्रॉप बताई हूँ आपको, बहुत सारी मेडिसिन बताई हूँ। ये जो ड्रॉप बताने वाली हूँ कुछ खास ड्रॉप है, स्पेशल ड्रॉप है जो आपके डायरिया को भी ठीक करेगा और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी पूरी तरह से ठीक करने में हेल्प करेगा। तो ये ड्रॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो ड्रॉप बताने वाली हूँ तो इस ड्रॉप के मैं आपको बेनिफिट, यूजेस, फ़ायदे, पॉइंट पर बताऊँगी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको पेट में दर्द बनता है, और पेट में दर्द जो बनता है ऐसा लगता है कि जो पेट है सो कड़स आ रहा है, और उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। साथ में सिर में दर्द हो रहा है, और मोशन पास करने जाते हैं तो मोशन निकल तो जाता है किसी तरह से, स्टूल निकल जाता है, लेकिन मल के द्वार के पास बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये दर्द काफ़ी दिन तक बना रहता है। जैसे जब भी पेशेंट मोशन करने जाएगा या मल करने जाएगा तो पूरे दिन भर दर्द बना रहेगा, सेकेंड डे भी उसको दर्द बना रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है। सेकेंड पॉइंट, कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको पीलिया हो जाता है, उनके लीवर में स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण से उनको खाना सही से नहीं पचता, भूख सही से नहीं लगती, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट फूलता है। साथ में स्टूल जब भी जाता है वो पेशेंट, तो स्टूल बहुत हार्ड आता है और एकदम ब्लैक आता है। साथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और पेट की समस्या उसको हमेशा बनी रहती है, भूख पूरी तरह से चली जाती है। थर्ड पॉइंट, पेट में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगा, मरोड़ होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, दर्द होगा। जब भी पेशेंट मोशन करने जाएगा तो जो स्टूल होगा बहुत हार्ड होगा और गांठ के रूप में निकलेगा। जो स्टूल निकलेगा उसमें म्यूकस भी निकलेगा प्लस ब्लड भी निकलेगा और बहुत पेनफुल निकलेगा। फोर पॉइंट, कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, साथ में जो डायरिया होता है रुक रुक के होता है, जैसे अभी हुआ फिर आधे घंटे में फिर डायरिया हुआ, और उनके पेट में बहुत ज़्यादा ऐठन होती है। जब भी ऐठन होती है तो बहुत गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है और उसको बहुत तेज़ से मोशन लगता है, एकदम से मोशन करने वो व्यक्ति चला जाता है, साथ में वॉमिटिंग भी होती है। ये सारी सिचुएशन होती है और ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है लॉन्ग होता है, मतलब काफ़ी पुराना होता है। फाइव पॉइंट, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगा और पेट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, एकदम सूज जाएगा। आप पेट को दबाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको हार्डनेस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये जो दर्द है रुक रुक के होगा और स्टूल सही मात्रा में बिल्कुल नहीं निकलेगा, जैसे नॉर्मल स्टूल निकलता है वैसे स्टूल बिल्कुल नहीं निकलेगा। पेट में हमेशा दर्द बना रहेगा और बहुत हार्डनेस रहेगी और ये समस्या पेशेंट को हमेशा बनी रहेगी, स्टूल ना निकलने की, ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। सिक्स पॉइंट, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहेगा पेशेंट को, पेट एकदम भारी लगेगा, पेट फूलेगा, भूख पूरी तरह से चली जाएगी, स्टूल बहुत हार्ड निकलेगा, स्टूल का कलर जो होगा बहुत हार्ड रहेगा, साथ में जीभ का जो टेस्ट है पूरी तरह से चला जाएगा, जीभ का कलर एकदम वाइट हो जाएगा, साथ में प्यास बहुत कम लगेगी, पेट में हमेशा समस्या बनी रहेगी, पेट की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी, ये सारी दिक्कत है, ऐठन बनी रहेगी। जब भी पेशेंट मोशन पास करने जाएगा तो मोशन पास करने के बाद स्टूल हार्ड आने के बाद एनस में हमेशा जलन, बर्निंग, पेन बना रहेगा, साथ में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। मैंने आपको सिक्स पॉइंट बताए, तो ये सिक्स पॉइंट आपके मैच करते हैं, चाहे आपको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, काफ़ी सालों से कॉन्स्टिपेशन हो, तो इसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। गुड मॉर्निंग कॉन्स्टिपेशन ड्रॉप, ये सौबे कंपनी का है। इस ड्रॉप में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है हाइड्रेस्टिस मिली हुई, जो नेक्स्ट मिली हुई है लैपटेंड्रा मिली हुई है, ओलियम मिली हुई है, पोर्टोफाइलम मिली हुई है, रेमनस और सिन्ना होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। इन सारी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इस ड्रॉप को तैयार किया गया है, तो ये बहुत ही अच्छा ड्रॉप है, इसे आप बिल्कुल ले सकते हैं।
ये जो ड्रॉप है आपको होम्योपैथिक फार्मेसी से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस बिल्कुल कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता देती हूँ कि आप कहाँ से ये मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको नॉलेज नहीं रहता है कि मेडिसिन कहाँ से ली जाती है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ हर वीडियो में कि मेडिसिन आपको कहाँ से ली। इस ड्रॉप को लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इस ड्रॉप को आपको 3 टाइम लेना है, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट, और 20-20 बूंद लेना है और कंटिन्यू रखना है। पानी हल्का गुनगुना रखिएगा, उसमें 20 बूंद डाल के मिक्स करके पी लीजिएगा। ये मेडिसिन आप कंटिन्यू रखते हैं तो आपका क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से चला जाएगा। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई हूँ ये सारे सिम्टम्स आप मैच कर लीजिएगा। ये सारे सिम्टम्स आपके मैच करते हैं तो ये जो मेडिसिन है, ड्रॉप है, आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। इस ड्रॉप को आपको लेने से काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ड्रॉप आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।